हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आज हम वीडियो में एक्सरसाइज 20A का पार्ट टू सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट टू में आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से हम इस पार्ट टू में 15 क्वेश्चन नंबर तक हम सोल्व करेंगे। 15 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं दोस्तों। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये सब का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। अब वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, आप लोग को पता ही होगा वैल्यू फाइंड कैसे करना है। ये सभी को प्लस कर देना है दोस्तों, ये सभी को प्लस कर देना है आपको। आप जैसे ही प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 50, आपको सॉल्व करके 50 आ जाएगा। ये सब तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप पहले भी जाने होगा, ये सब आप पहले भी बनाए होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थ्री रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 पर पावर 0 है, दिख रहा होगा दोस्तों, तो हम इसे 1 मान लेंगे दोस्तों। तो 1 मान लेंगे तो हमारा मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा, यदि हम उस पर पावर लगा देते हैं तो हमारा 1 ही होता है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है 6। आप 3 नंबर भी देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फोर्थ और फिफ्थ यहीं पे है दोस्तों, दोनों यहीं पे है फोर्थ और फिफ्थ। अब हम चल रहे हैं सिक्स्थ की ओर। तो नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट आ गया सिक्स। देखिए दोस्तों, फाइव का हमारा यही तक था, फिर आगे इस नेक्स्ट पेज में है। तो सिक्स नंबर में, अब सिक्स नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये सभी हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ही हम सब ज़्यादा होशियार हो गए, लेकिन आपको कुछ कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, वो सब आप इससे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप देखो 9 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये सब भी सिंप्लीफाई करना है, ये सब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। 89 डिग्री है, मतलब डिग्री नहीं है, पावर है 0 का, डिग्री पढ़ा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जब पावर 0 लगा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे पावर लगता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और देखो यहाँ पे पावर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1 ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हट नहीं रहा है। हाँ, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका हमारा आंसर आ गया 2/3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का आप सॉल्व यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पे इसका सॉल्व देख सकते हो। इतना में आपका ये सॉल्व किया गया है, इतना में ही आपको सॉल्व किया गया है दोस्तों। ये सभी जो आपको है ये सब नहीं लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको नहीं लिखना है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 9th का। तो हमारा 9th का आंसर आ गया 144A। अब हमारा 10th नंबर भी आप देख ही रहे होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 7 पावर 10 है डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 8। तो हमारा जब इसको सॉल्व, बराबर यहाँ पे दिख रहा है 1/7 होल पावर x पावर रेज टू द x। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है x/-2। तो चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन वैसा ही है दोस्तों, ये सभी हमको समझाने की ज़रूरत कुछ है नहीं दोस्तों, समझाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो गए, यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ।
आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, पहले ऐसा ही क्वेश्चन है। ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, और 13 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, मतलब ए बाई बी फॉर विच, ये सब दिया हुआ है। तो ए बाई बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम मेरा ये पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आप इसे देख करके अपने फेयर कॉपी में या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप इसे देख करके लिख सकते हैं दोस्तों, और हमें सपोर्ट करते रहना। यदि आप नहीं सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो मेरा मतलब हम वीडियो बनाने के मतलब हमारा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में यदि आप कोई चीज़ कमी आए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में लिखना है दोस्तों, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो हमारा ये 14 नंबर में है, बाय व्हाट नंबर शुड -5 रेज टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम -15 रेज टू द पावर -1। ये सब में है जो आप देख सकते हो गए, -5 ये वाला जो नंबर है, सॉरी दोस्तों ये वाला जो नंबर है दोस्तों, ये वाला में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे इतना नंबर हमारा आ जाएगा। इस वाले नंबर में जो ये वाला जो नंबर है उसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इतना आ जाएगा। यहाँ पे है -5 रेज़ टू द पावर -1, यहाँ पे है -15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। हमारा 15 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस उसमें मल्टीप्लाई था तो इसमें डिवाइड हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ है नहीं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को भी लाइक करना। आप देखे होंगे दोस्तों, इसके पिछले वीडियो मैं बनाया होगा क्लास 7 का, तो वहाँ पे मैं बोला था कि कुछ दिनों के लिए क्लास 8 का पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन मैं सोचा कि चलो आज वीडियो बना ही देता हूँ, तो मैं आज वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।